फ्रेंड्स, आप कहीं भी मार्केट या किसी किराना दुकान में जाते होंगे, कोई भी सामान खरीदते होंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसे सवाल को आप चंद सेकंडों में यानी चुटकियों में सॉल्व करना सीख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम लोग मात्रक को समझ लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो देखिए, किलोग्राम जो होता है वह वजन का मात्रक है। मात्रक किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी राशि को या किसी भी वस्तु को जिस चीज़ में मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको पानी मापना हो तो उसे लीटर में मापते हैं। उसी तरह से देखिए, दूरी मापना हो किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी बताते हैं तो उसे किलोमीटर में बताते हैं। उसी तरह से वजन किसी भी वस्तु का वजन बताते हैं तो आप किलोग्राम में बताते होंगे। जैसे देखिए, आपको अगर किसी किराना दुकान में जाते हैं, आप 2 केजी चावल खरीदना चाहते हैं, तो आप दुकानदार को क्या कहिएगा कि 2 केजी चावल दीजिए। आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमको 2 किलोमीटर चावल दीजिए। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वजन चावल को वजन में मापा जाता है और वजन का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए कहेंगे कि 2 किलोग्राम चावल दीजिए, 2 किलोमीटर नहीं, क्योंकि किलोमीटर दूरी का मात्रक होता है। उसी तरह से अगर किसी दो बिंदु के बीच की दूरी मापना हो तो उसे आप क्या कहिएगा? मान लीजिए इसके बीच 60 किलोमीटर का दूरी है, तो आप बताइएगा कि 60 किलोमीटर की दूरी है इस दो बिंदु के बीच। आप यह नहीं कह सकते हैं कि उसके बीच 60 किलोग्राम दूरी है, क्योंकि दूरी का मात्रक किलोमीटर में होता है, तो इसलिए कहेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, दिया हुआ है 1 केजी का दाम 80 रुपया है, तो 400 ग्राम का दाम कितना होगा? कोई भी वस्तु हो, 1 केजी का दाम दिया हुआ है 80 रुपया, तो आपको 400 ग्राम का दाम निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद हम आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए, 1 केजी का दाम कितना दिया हुआ है? 80 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम 100 ग्राम का दाम निकाल लेंगे, यानी 100 ग्राम का दाम कितना होगा। देखिए, 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए इस 80 में जितना भी 1 केजी का दाम दे दिया रहेगा उसमें 10 से भाग दे देंगे। तो 10 80 में 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 8 रुपया आ जाएगा। इसको इससे भी आसानी से सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 केजी का दाम जितना भी दिया रहेगा ना, 80 रुपया दिया हुआ है, तो लास्ट से 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो 100 ग्राम का दाम आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए, इस तरह से भी 8 रुपया निकल कर आ रहा है और हमको निकालना कितना है, 400 ग्राम का दाम निकालना है। 400 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम का दाम जितना भी निकल कर आएगा, अगर 400 ग्राम का निकालना है तो इसमें 2 जीरो लगा हुआ है तो इसको हटा देंगे, और जो संख्या बचेगा 4 है तो उसमें इसमें गुना कर देंगे 100 ग्राम के दाम में, तो 8 × 4 कर देंगे, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। यानी 400 ग्राम का दाम आपका निकल कर आ गया 32 रुपया। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 केजी चावल का दाम मान लीजिए आपका है 60 रुपया। 1 केजी चावल का दाम 60 रुपया है, 1 केजी चावल का दाम 60 रुपया है, तो आपको निकालना कितना है, 300 ग्राम का दाम निकालना कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो देखिए अब इसे आसान तरीके से करेंगे। देखिए, 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो इसके 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 60 के 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। 6 रुपया कितना का, 100 ग्राम का दाम निकल कर आ गया, तो हमको निकालना कितना है, 300 ग्राम का दाम निकालना है। तो 300 ग्राम का दाम निकालना है तो क्या करेंगे, 6 में 300 में 2 जीरो हट